ये बनारस की धरती पे विशाल कार्यक्रम हो रहा है। मैं बधाई देता हूं, बधाई देता हूं। ओम प्रकाश राजभर जी अभी बोल रहे थे, सिंबल हमारे अलग अलग हैं, और अब इस दौर में जो अब सातवां दौर होगा 7 तारीख को, इसमें आपको चुनाव करना है, कहीं लिफाफा है, कहीं छड़ी है और कहीं साइकिल का निशान है। हमारी लड़ाई एक, हम सबकी लड़ाई एक, और आज हम सब इकट्ठा हुए हैं। बनारस की राजनीतिक धरती है, बनारस धर्मनगरी भी है, और जब बनारस कोई आने की सोचता है तो कल्पना करता है अविरल गंगा की, बनारस के विश्व प्रसिद्ध कलाकारों की। जब कोई बनारस आता है तो बिस्मिल्ला खान की शहनाई की आवाज कानों में चलती है, रविशंकर जी के सितार, गिरजा जी का मधुर संगीत, पंडित विकास महाराज जी का सरोद, ये आज भी जो है हमारे, कोई बनारस आता है तो कानों में चीख चलती है। तो हम सब के लिए बनारस की धरती पवित्र है, करिश्माई है, और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर से, क्योंकि ये किसानों की धरती है, ये बनारस चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि रही है, और आज भी यहाँ गांव देहात में आप जाएंगे और देखेंगे कि हर घर में तस्वीर अगर एक सरदार पटेल जी की लग रही है तो चौधरी चरण सिंह जी की तस्वीर भी अभी तक आपने अपने घरों में लगा रखी है। तो इसलिए मेरे लिए परम सौभाग्य है कि बनारस की धरती पे आज आपके बीच आकर मैं संदेश दे पा रहा हूं। आपको फैसला लेना है, और चूंकि हम पश्चिम से चुनाव लड़कर आपके बीच में आ रहे हैं, आप मुझसे पूछ भी सकते हो कि चुनाव में काबा, पूछ सकते हो ना चुनाव में काबा। मैं बता दूं चुनाव में काबा, चुनाव में गठबंधन बा, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश बा, और आज बनारस की धरती पे जब ममता दीदी आएंगी तो खेला भी होए बिना ना।